Hey everyone, before moving forward, this is just a general announcement about the CSAT Foundation course, uh, which is starting from 1st of March, right? And uh, the course is running at 70% discount. So please go and enroll for the course. इन दिस कोर्स वी वुड be कवरिंग quantitative aptitude रीजनिंग data interpretation linear arrangements अरेंजमेंट्स और ऐसा सब कुछ जो ke liye के लिए इंपॉर्टेंट है हमने लास्ट ईयर भी एक कोर्स लॉन्च किया था सी सैट विथ पी वाई क्यूज जिसकी जिसके थ्रू यू नो हमने बच्चों को बहुत हेल्प किया था एंड देवर एबल टू डू फिफ्टी प्लस क्वेश्चन राइट इन यू मेन प्रलम्स पेपर सो प्लीज़ गो एंड रजिस्टर फॉर द कोर्स एंड विद दिस कोर्स यू आर ऑल्सो गेटिंग दैट कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं सी PYQs wala jo course hai, that you are getting for free. You know? And uh, you can uh, get the schedule for this course by uh, clicking on this link or JSRA links in the description may the demo lectures. Last year ke course pe bhi sakte and for registering for the course, you can uh, go to this particular uh, link, right? And your last year, ke, you know, testimonials hai, uh, for the student feedback. You can also look at uh, these feedbacks from various students on our website, or you can pause the slide and

चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज का जो स्टैटिक टॉपिक है दैट इज जियोग्रफी जियोग्राफी के साथ हम करंट अफेयर्स के पांच क्वेश्चन को क्लब करेंगे और आज का लेक्चर है ट्वेंटी नाइन तो लेट्स बिगिन आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं तो ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करेंगे क्या बोल रही है अमंग द फॉलोइंग सिटीज़ विच वन लाइज ऑन द लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ द डेली तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है लॉन्गीट्यूड ऐसे होते हैं ना ऊपर से नीचे आते हैं और यहाँ वाले ऐसे इसको हम लेटिट्यूड बोलते हैं तो लॉन्गिट्यूड में बोल रहा है वो कि सबसे बगल में कौन सा है तो दिल्ली से हम एक लॉन्गिट्यूड बनाते हैं नीचे की तरफ है ना नीचे की तरफ बनाते हैं तो इसके लिए ना आपको एक विजुअलाइजेशन होना चाहिए इंडिया के मैप का बिना उसके नहीं कर पाओगे दिल्ली है है ना फिर यहाँ पे आपका कर्नाटका आ जाता है ये कर, लाइन कर्नाटका से पास करती है यहाँ पे कहीं बेंगलोर होगा इधर कहीं बेंगलोर होगा है ना और क्या बोल रहा है हैदराबाद हैदराबाद तो थो थोड़ा दूर है हैदराबाद इधर यहाँ पे आएगा इधर आएगा कहीं हैदराबाद है ना और नागपुर नागपुर आएगा छत यहाँ पे रायपुर आएगा ये छत्तीसगढ़ आएगा इधर और इधर महाराष्ट्र होते हुए जाएगी तो यहाँ पे आएगा नागपुर कहीं है ना नागपुर भी दूर रहेगा और पुणे तो इधर ही है कहीं पुणे तो एकदम सी कोस्ट के पास है तो ये मतलब मुंबई के पास है तो ये तो है ही नहीं ऑप्शन बेंगलोर लग रहा है है ना बैंगलोर लग रहा है पर एक बार हम मैप के थ्रू भी देख लेते हैं तो ये रहा मैप ये रहा हमारा न्यू डेली है ना दिस इज़ बेंगलुरू उसके बाद पुणे कहीं इधर होगा है ना और आपका रायपुर इधर है ना तो नागपुर भी कहीं इधर होगा नागपुर कहीं इधर होगा और क्या बोल है हैदराबाद हैदराबाद ये रहा तो हम एक लाइन बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ से एक लाइन बनाते हैं देखते हैं तो लाइन तो देखो यार लाइन लाइन के सबसे पास जो है वो बेंगलुरु ही है है ना यही दिख रहा है सबसे पास क्योंकि नागपुर भी दूर है यहाँ पे कहीं है नागपुर पुणे यहाँ है, हैदराबाद इधर है है ना तो सबसे पास क्या हो गया बेंगलुरु हो गया है ना तो इसका आंसर क्या हो गया हमने सही बताया था इसका आंसर क्या हो गया ए आंसर इज़ ए तो थोड़ा विजुअलाइजेशन अच्छी मैप का तभी करोगे तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि आप क्या क्या करा करो कि आप अपने सामने जितने भी मैप्स हैं ना उनको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो और एक एक रोज किसी एक मैप पे पाँच मिनट बस ऐसे खड़े होकर उसको देख लिया करो बस ऐसे देख लिया करो इंक्लूडिंग वर्ल्ड मैप ऑल्सो तो पाँच मिनट खड़े होकर देख लोगे तो सफिशियंट है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक साल में थ्री सिक्सटी फाइव डेज में पूरा आपके दिमाग में मेंटल इमेज जो इस मैप की है वो छप जाएगी तो ऐसे क्वेश्चन वैसे ही हो पाएंगे आगे बढ़ते हैं विद रेफरेंस टू इंडियन ओशन डाइपोल समटाइम्स मैंशन इन न्यूज़ वाइल्ड फोरकास्टिंग इंडियन मानसून विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ आर करेक्ट तो इंडियन डाइप ओशन डाइपोल आयोडी के बारे में क्वेश्चन है आयोडी इज़ फिनोिना आयोडी फिनोमिना इज़ करक्टराइज बाई डिफरेंस इन सीट सरफेस टेम्परेचर्स बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन तो आयोडी क्या होता है वॉट इज़ आयोडी आईओडी का कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए तो so जो हमारा इंडिया है है ना जो हमारा इंडिया है ऐसे मैं बना देता हूँ ठीक है जो अपना ये बहुत ही सड़ा सा बना दिया है बट ठीक है समझाने के लिए है. तो इंडिया में इधर साइड अरेबियन सी है और इधर साइड बे ऑफ बंगाल है तो इन दोनों के सरफेस सी सरफेस टेम्परेचर में जो तो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं क्या इंडियन ओशन डाइपोल नाम में ही है ना देखो इंडियन ओशन अगर नाम में ही इंडियन ओशन है तो यहाँ पैसेफ़िक ओशन क्यों आएगा समझ में आ रहा है अगर नहीं भी मालूम है तो भी थोड़ा लॉजिकल गेस कर सकते हो ना कि अगर इंडियन ओशन डाइपोल है डायपोल का मतलब क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा होता है डायपोल डाईपोल मतलब जो जिसके दो एंड्स पे अलग अलग चार्ज हो साइंस में ऐसा मतलब होता है तो इंडियन ओशियन में डाइपोल इसका मतलब इंडियन ओशन के जो दो पार्ट्स हैं इंडियन ओशन यही है इंडियन ओशन है इंडियन ओशन के जो दो पार्ट हैं दैट इज़ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल उनके बीच में एक डाइपोल है मतलब सी सरफेस टेम्परेचर्स में डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड इंडियन ओशन डाइपोल और इंडियन ओशन है तो पैसिफिक तो आएगा नहीं तो ये तो गलत हो गया पहला दूसरा क्या है एन इंडियन ओशन डाइपोल फिनमिना कैन इन्फ्लुएंस एल नीनोज इम्पैक्ट ऑन द मानसून तो एल नीनो हमको पता है क्या होता है एल नीनो हमने देखा था ना क्या होता है जब जब यहाँ जो पिरो पिरोविन कोस्ट है जो पिरोवन कोस्ट है वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है और यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है कहाँ पे ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो पास वाला रीजन है वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है जिस वजह से यहाँ पे ड्रॉट आने की टेंडेंसी रहती है क्योंकि जो रेनफॉल होता है वो कम हो जाता है तो वैसे जब यहाँ सी सरफेस टेम्परेचर चेंज होगा है ना जब अब पॉजिटिव इंडियन डायपोल क्या होता है जब ए, ए जब अरेबियन सी का जो सी सरफेस टेम्परेचर है दैट इंक्रीजेस वो पॉजिटिव होता है और बे ऑफ बंगाल के कंपैरिजन में वो ज़्यादा होता है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंडियन डायपोल तो उससे ऑब्वियसली अगर यहाँ पॉजिटिव है या निगेटिव है तो उससे तो फर्क पड़ेगा ना अगर यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया तो यहाँ लो टेम्परेचर हो जाएगा लो प्रेशर हो जाएगा लो प्रेशर हो जाएगा तो यहाँ फिर बादल आ जाएंगे बादल आ जाएंगे तो बारिश होने का चांस है तो एल नीनो के इफेक्ट को ये करेगा इम्पैक्ट तो दूसरा ऑप्शन हो गया सही इसका आंसर क्या हो गया बी करेक्ट आगे बढ़े कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया द आर स्प्रेड ओवर फाइव स्टेट्स ओनली वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर फाइव स्टेट्स ओनली पुलिकट लेके स्प्रेड ओवर टू स्टेट्स ओनली अब इसमें तीनों में ही ओनली आ गया है ना और ऐसे नन ऑफ द तो है नहीं <laughs> तो इसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए इसमें कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही हो सकता है तो सबसे पहले हम एकदम सबसे ईजीएसट ऑप्शन की बात करते हैं दैट इज़ पुलिकट लेक तो पुलिकट लेक हमने देखा हुआ है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पूरा फैला हुआ है ये पुलिकट लेक है ना ऐसे इधर से बॉर्डर जो आता है इंडिया का तो यहाँ पे यहाँ से लेकर जो पूरा इधर यहाँ पोर्शन है यहाँ तक पूरा फैला हुआ है तो तमिलनाडु को भी कवर करता है और आंध्र प्रदेश को भी कवर करता है तो टू थ्री तो सही है अब अगर थ्री सही है तो थ्री तो तीन ऑप्शन में सही है तो पहला तो कुछ फ़ायदा ज़्यादा हुआ नहीं हमको बस एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए हम अब हमको दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर फाइव स्टेट्स ओनली तो दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है वेस्टर्न घाट्स तो वेस्टर्न घाट यहाँ पे हैं इधर इधर अपना गुजरात है और फिर हम यहाँ से बनाते हैं है ना तो वेस्टर्न घाट्स कहाँ से कहाँ तक है यहाँ गुजरात है ये पूरा गुजरात है इधर है ना यहाँ से महाराष्ट्र स्टार्ट हो जाता है पूरा महाराष्ट्र इधर फिर गोवा आता है यहाँ पे फिर गोवा के साथ ही साथ कर्नाटका स्टार्ट हो जाता है है ना कर्नाटका ऐसे फिर यहाँ केरला आता है और फिर ये है तमिलनाडु है ना तो ये केरला छोटा सा बना दिया मैंने तो कितने स्टेट हो गए तमिलनाडु हो गया केरला हो गया एक दो कर्नाटका तीन गोवा चार महाराष्ट्र पाँच और गुजरात छः तो, तो टोटल छः स्टेट्स में फैला हुआ है वेस्टर्न घाट्स ये पूरा जो वेस्टर्न घाट्स है वो छः स्टेट्स में फैला हुआ है छः स्टेट्स में फैला हुआ है पाँच में नहीं तो टू गलत हो गया टू हम गलत कर देते हैं अब भी एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ अब मतलब तीनों ही पता होने चाहिए कुल बना के आपको इन इंडिया हिमालज आर स्प्रेड ओवर फाइव स्टेट्स अब हमालियाज देख लेते हैं कहाँ पर है तो हिमालयाज हमारे जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होते हैं पूरा है ना ऐसे जम्मू एंड कश्मीर बना देते हैं जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होते हैं और पूरा नॉर्थ ईस्ट तक जाते हैं तो पाँच स्टेट्स तो है ही नहीं पाँच स्टेट्स से तो ज़्यादा ही हैं है ना पाँच स्टेट से तो ज़्यादा ही हैं कितने हैं जम्मू एंड कश्मीर हो गया एक हिमाचल हो गया दूसरा उत्तराखंड हो गया तीसरा उसके बाद यहाँ पे आओगे तो अरुणाचल प्रदेश हो गया मेघालय में भी हैं आसाम में भी हैं है ना फिर इधर मणिपुर में भी हैं तो ऐसे ही हो गए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ से तो ऐसे ही हो गए त्रिपुरा में भी हैं हिमालयाज तो पाँच तो नहीं है ये तो श्योर हो गया पाँच तो नहीं है तो ये भी गलत हो गया ये भी गलत हो गया क्या आंसर हो गया बी अगेन द आंसर इज बी ओनली पाँच तो देखो ऐसे भी नहीं हो सकते नॉर्मल अगर नहीं मालूम है तो भी पाँच नहीं हो सकते जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में ही तीन हो गए है ना उसके बाद यहाँ अरुणाचल प्रदेश भी है फिर आपका आसाम मेघालय में भी हैं है ना तो ये सब जगहों पे भी हैं आगे बढ़ते हैं तो ये पुलिकट लेक की लोकेशन है। देखो पुलिकट लेक जो है ये आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच में फैला हुआ है करेक्ट विद रेफरेंस टू रिवर तीस्ता तीस्ता रिवर जो है जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम तो सोर्स कैसे सेम हो सकता है ट्रिब्यूटरी है ना वो तो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी तो बाद में आके जुड़ती है तो सोर्स सेम तो नहीं है ब्रह्मपुत्र कहाँ से है मानसरोवर लेक नियर माउंट कैलाश से ओरिजिनेट होती है माउंट कैलाश के पास है ना वहाँ से ओरिजिनेट होती है और ये कहाँ से होती है तीस्ता रिवर तीसरा बेसिकली यहाँ ग्लेशियर है एक कौन सा पन पंदूरी ग्लेशियर करके नाम है उसका पंदूरी पंदूरी ऐसा कोई ग्लेशियर है वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है तीसरा रिवर ये एक बार चेक करना कौन सा मेरे को कमेंट करके बताना नीचे कौन सा ग्लेशियर है ये पंदूरी है शायद नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ पंदूरी ग्लेशियर का नाम ऐसे ही कुछ नाम है तो वहाँ से ही ओरिजिनेट होती है बट दोनों का सोर्स सेम नहीं है कुल मिला के बात कहने का ही है तीसरा टेबरी है पूरा जो ब्रह्मपुत्र है वो यहाँ से ओरिजिनेट होकर पूरा आती है अरुणाचल प्रदेश से यू टर्न लेती है और जो तीसरा रिवर है वो तो यहीं से ही ओरिजिनेट होकर नीचे आती है अभी हम देखेंगे वैसे तो पहला तो गलत है पहला गलत कर देते हैं हम ये क्या ये गया टू सही है थ्री पर दिमाग लगाते हैं हम बस रिवर तीसरा फ्लोज इंटू द बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश तो बॉर्डर पर तो नहीं होती है सिक्किम से हम यहीं पर ही देख रहे हैं सिक्किम से आती है तो सिक्किम से आके फिर ये वेस्ट बंगाल पे जाती है और फिर बांग्लादेश में एंटर करते हुए बे ऑफ बंगाल में जाती है करेक्ट तो तीसरा भी गलत है देख लेते हैं देखो ये रही थी इस तरह यहाँ सरिजनट होती सिक्किम से पांदूरी ग्लेशियर से उसके बाद नीचे फ़्लो करती है है ना और नीचे फ्लो करते करते अब देखो सिक्किम के बाद ये वेस्ट बंगाल में गई यहाँ पे ही बीच में ही वेस्ट बंगाल आ जाएगा आपका इधर ये ये वाला पार्टी वेस्ट बंगाल है ये वेस्ट बंगाल ये सिक्किम फिर नीचे बांग्लादेश में गई बांग्लादेश से फिर ये बे ऑफ बंगाल में चली गई करेक्ट तो इस टाइप से ये घूमती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड गलत है वन भी गलत है बी हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा इफ यू ट्रैवल बाय रोड फ्रॉम कोहिमा टू कोटयम विच इज़ वॉट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स विद इन इंडिया थ्रू विच यू कैन ट्रैवल इंक्लूडिंग द ओरिजिन एंड द डेस्टिनेशन तो कोहिमा है नागालैंड में नागालैंड में है ये और कोट्यम का है केरला में है पहले तो यही पता होना चाहिए तभी क्वेश्चन कर पाओगे नहीं तो नहीं कर पाओगे कोट्यम केरला में है कोहिमा नागालैंड में है तो नागालैंड इधर है कहीं नॉर्थ ईस्ट में यहाँ हम बनाते हैं नॉर्थ ईस्ट में इधर कहीं है ऐसे करके ऐसे जाते हैं ना हाँ इस टाइप से बना लो तो इधर है कहीं है ना इधर है तो हम यहाँ से चलते हैं चलना स्टार्ट करते हैं यहाँ से चलेंगे तो सबसे पहले आसाम आएगा तो एक तो ये हो गया असम दूसरा हो गया असम के बाद क्या आता है यहाँ पे वेस्ट बंगाल आता है तो वो तीसरा हो गया वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल उसके बाद वेस्ट बंगाल से फ्लो करते करते हम उड़ीसा पे चलते हैं मतलब टच है ना उड़ीसा भी टच है यहाँ से तो चौथा हो गया उड़ीसा फिर आ जाएगा आंध्र प्रदेश यहाँ उड़ीसा लिख देते हैं फिर आ जाएगा आंध्र प्रदेश पाँच आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु आएगा क्योंकि हमको केरला पे जाना है तो हमको डायरेक्ट तो जा नहीं सकते क्योंकि बॉर्डर शेयर नहीं होता केरला और आंध्र प्रदेश का तो हमें हम तमिलनाडु के थ्रू जाना पड़ेगा तो ये छठा हो गया और फिर हम जाएंगे तो केरला आ जाएगा तो केरला में क्या हो गया वो सातवां हो गया तो टोटल कितने हो गए सेवन आंसर क्या हो गया बी हो गया एक बार विजुलाइज करके भी दिखा देता हूँ आपको तो देखो ये गूगल से लिया गया है कोहिमा यहाँ पर है और कोट्यम इधर है तो यहाँ से जाओगे इधर से जाओगे आसाम पड़ेगा आसाम से जाओगे तो वेस्ट बंगाल पड़ेगा फिर उड़ीसा आएगा उड़ीसा के बाद फिर आपका आंध्र प्रदेश आएगा आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु तमिलनाडु के बाद केरला समझ में आ गया आगे बढ़े चलो अब यहाँ से करंट अफेयर स्टार्ट हो गए जिसमें थोड़े स्टैटिक टॉपिक भी कवर हो जाते हैं बंदी जीवन वॉज ऑथर्ड बाय बंदी जीवन किसने लिखी है पहला है भगत सिंह महात्मा गांधी सचिन नाथ सनियाल या फिर वंकिमचंद चट्टोपाध्याय किसने लिखी है बंदी जीवन सचिन नाथ सनयाल सचिन नाथ सनियाल जी न्यूज़ में थे तो इसीलिए हम इनकी डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे इस वजह से ये न्यूज़ में थे इसीलिए ये क्वेश्चन आया है तो इसका आंसर क्या है थ्री या फिर सी मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पीएम एम केयर्स फंड तो पीएम एम केयर्स जो फंड है उसके लिए हमको स्टेटमेंट्स सही बतानी है इट कैन अवेल डोनेशन फ्रॉम फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड डोनेशन टू द फंड कैन ऑल्सो अवेल कैन ऑल्सो अवेल हंड्रेड परसेंट टैक्स एग्जेम्पन तो ये सही है और ये याद रखना कि जो पी एम केयर्स है दैट इज़ डिफरेंट फ्राम पी एम एन आर एफ जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर आया था पी एम जे एन आर एफ जो है ना उससे अलग है ये तो पी एम केयर्स इज डिफरेंट कोविड के टाइम में लॉन्च हुआ था इसमें हम पैसा ले रहे हैं लोगों से वॉलेंट्री डोनेशन है तो आप फॉरेनर्स भी इसमें कर सकते हैं फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन भी इसमें आ सकता है तो पहला सही है दूसरा प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन तो ये भी सही है एंड द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस आर एक्स ऑफिशियल ट्रस्टीज ऑफ द फंड सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट द अमाउंट कलेक्टेड बाई इट गोज टू द कंसोडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये गलत है क्योंकि इट इज़ नॉट अ फंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कंसॉलीडेटेड फ़ंड ऑफ इंडिया में नहीं नहीं जाता है ये बस एक डोनेशन है मतलब वॉल्ट्री वो बोलते हैं ना वॉलेंट्री डोनेशन आता है इसमें बस ये कोई गवर्नमेंट का फंड नहीं है जो कंसॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा तो दिस इज़ रॉन्ग थर्ड रॉन्ग कर देते हैं ये गया ये गया और डी भी चला गया आंसर हो जाता है ए करेक्ट ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए न्यूज़ में चल रही पी एम केयर्स फंड के बारे में सब पता होना चाहिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोवा रिग्बा वॉट इज सोवा रिग्पा मेडिसिन सिस्टम है पढ़ लेते हैं इट इज़ अ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस इन द हिमालयन बेल्ट ऑफ इंडिया तो लद्दाख वगैरह में ये प्रैक्टिस होता है दिस इज़ करेक्ट हिमा हिमाचल और इन सब जगह भी प्रैक्टिस होता है बेसिकली तिब्बत इन मेडिसिनल टेक्निक है ये आयुर्वेदा से रिलेटेड है इट और इन तिब्बत एंड प्रॉपरली पॉपुलरली प्रैक्टिस इन कंट्रीज नेमली इंडिया नेपाल भूटान

के ही कहीं पार्ट से ओरिजिनेट हुआ होगा ये तो दिस इज़ करेक्ट नॉर्मली दूसरा क्या है इट इज़ रिच इन ओरिजेन ऑल विच इज़ प्रूवन टू रिड्यूस बैड कोलेस्ट्रॉल एंड इंक्रीज़ गुड कोलेस्ट्रॉल तो देखो ये न्यूज़ में इसलिए है ना क्योंकि ये अच्छी चीज़ है अब ये बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करेगा गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करेगा तो ये भी पॉजिटिव चीज़ है पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसका है ना पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट इट हैज़ बैलेंसड फैटी एसिड कॉम्पोजिशन विच इंक्लूड सैचुरेटेड फैटी एसिड मोनो सैचुरेटेड फैट्स एंड पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स तो दिस इज अगेन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट अबाउट द पॉजिटिव थिंग राइस ब्रैंड ऑयल तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डीया आगे बढ़ते हैं द फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट एफ सी आर ए रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर एन जी ओ और एसोसिएशन टू रिसीव फंड्स और टू रिसीव फॉरन फंड सॉरी अगर किसी एन जी ओ को बाहर से पैसा चाहिए तो उसको एफ़ सी आर ऐ में रजिस्टर करना पड़ेगा कि किसके अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है न्यूज़ में था अभी रिसेंटली तो ये दिस इज़ करेक्ट कि आपको एफ सी आर ए के अंदर uh, रजिस्टर होना पड़ेगा टू रिसीव फॉरन फंडस उसके बाद कंसिडरिंग द फिलथ्रोफिक वर्क डन बाय मिशनरीज ऑफ चैरिटी अ कैथोलिक रिलीजियस कॉन्ग्रेशन सेटअप बाय मदर टेरेसा दिस इज़ एग्जैम्प्टेड फ्राम एफ सी आर ए रजिस्ट्रेशन टू रिसीव फॉरन डोनेशंस तो ये बोल रहा है कि ये एक्चुअली स्टेटमेंट गलत दिख, दिख दिया स्टेटमेंट सही है ये इसका मतलब थोड़ा लैंग्वेज गलत है इसका मतलब ये है कि जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी है जो एन जी ओ है जो मदर टेरेसा ने सेटअप किया था उसको एग्जेप्ट किया गया है एफ सी आर ए रजिस्ट्रेशन से तो बेसिकली यही न्यूज़ में था कि इनको इनका जो वो है एफ सी आर आ जो एग्जेम्पन है उसको हटा दिया गया है मतलब दे मिनिस्ट्री हैव मिनिस्ट्री हैज़ रिफ्यूज इट जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है कि ये लोग मतलब बाहर से डोनेशन ले सकते हैं तो दिस इज़ रॉन्ग इसमें क्या लिखा है इज एक्जेम्प्ट एग्जेप्ट नहीं है इनको कराना पड़ेगा तो पहला ऑप्शन ही सही है इसका आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए राइट सो थैंक यू सो मच गाइज आई होप दिस लेक्चर वॉज वैल्यूएबल एंड इफ यू इंजॉय प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लॉगन टू अर Uh, website www.talemememwe.com and I'll see you in the next lecture. Until then, read it, read it, read it. bye bye and take care.